हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा गोलमाल फोर के बारे में, यानी कि अजय देवगन के फिल्म के बारे में जो रिलीज होने वाली है इस दिवाली में, यानी कि 2017 की दिवाली के दौरान। और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें पता चली है इस फिल्म को लेकर। और सबसे पहले मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो मेरे दोस्त है जो मुझे देखते हैं और जो हमेशा सवाल पूछते हैं, भाई तुम अजय देवगन के बारे में ज्यादा न्यूज नहीं बताते। भाई मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा न्यूज बताने की। फिलहाल थोड़ा सा आप समझ के चलिए कि थोड़ा बोलते हैं शिवाय के बाद जो सुनामी आई थी, जो तूफान आया था, थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। वापस से तूफान आएगा, गोलमाल फोर बादशाह हो भी है, तो टेंशन मत लीजिए आप। जब न्यूज आएगी अजय देवगन की तो एक साथ ही आएगी और कई सारी न्यूज आएगी। तो फिलहाल की जो न्यूज है वो आपको अपडेट कर देता हूँ। इस फिल्म की अब जाके शूटिंग चालू होगी, वो भी मार्च 9 तारीख से। और कहा जा रहा है कि अजय देवगन 2 दिनों के बाद ये शूट को ज्वाइन करेंगे। और आपको लोकेशन भी बता देता हूँ, गोलमाल फोर की जो पहला शेड्यूल होगा शूट करने का वो मुंबई में होगा। अब गोलमाल आप देखो ज्यादातर गोवा का शूट दिखाया गया, और रोहित शेट्टी को गोवा से ज्यादा कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं डायरेक्टर को, तो फर्स्ट शेड्यूल के बाद आई थिंक गोवा में जाके या कहीं और जाके शूट करेंगे, वो अलग बात है। बट फिलहाल ये एक अच्छी खबर है कि शूटिंग चालू हो रही है एट द एंड। और आपको गोलमाल की हिस्ट्री जिनको नहीं पता या जिन जो जानना चाहते हैं उनको बता दूं, गोलमाल पहली बात तो रोहित शेट्टी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है अमोल पालेकर से और उनकी फिल्मों से। और उनकी सबसे बेस्ट फिल्म अमोल पालेकर की आपको पता ही है गोलमाल थी, 1980s में आई थी। तो गोलमाल फिल्म जो गोलमाल फन अनलिमिटेड करके रोहित शेट्टी ने पहली फिल्म बनाई थी ये सीरीज की, 2006 में बनाई थी। फिल्म इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया लगी लोगों को कि गोलमाल की जो सेकेंड पार्ट की डिमांड होने लगी। तो 2 साल बाद जाके गोलमाल रिटर्न्स बनाई थी, लेकिन पहली फिल्म के जो लेवल में ना बिल्कुल नहीं थी दूसरी फिल्म 2008 में जो आई थी। खुद हाल ही में रोहित शेट्टी ने मामी फेस्टिवल जो होता है वहां पर उन्होंने कहा कि यार मुझे पता है कि गोलमाल रिटर्न्स बहुत ज्यादा कमाई की थी, लेकिन हमें खुद को पता था कि वो क्रैप मूवी है। क्रैप मतलब भंगार टाइप, मतलब उतनी ज्यादा अच्छी मूवी नहीं है, तो खुद डायरेक्टर भी मानते हैं। तो उसके बाद गोलमाल 3 आई 2010 में, यानी कि आप देखोगे 2006 में पहली, 2008 में, 2010 में तीसरी, तो लाइन से 2-2 साल के गैप में तीनों मूवी आई। उसके बाद ये भी हमें लगा था कि 2012 या 13 तक आ जाएगी चौथी फिल्म, लेकिन काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा अजय देवगन के फैंस को, क्योंकि उसके बाद रोहित शेट्टी कई सारी फिल्मों में बिजी हो गए। आपको पता है शाहरुख खान के साथ उनकी 2-3 फिल्में उसके बाद बनी थी, आई थिंक दिलवाले बनाए थे और चेन्नई एक्सप्रेस, तो कई सारी फिल्में और बनी। और एक जो अजय देवगन का जो साथ था वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं छोड़ दिया था रोहित शेट्टी ने। आपको पता है सिंघम मूवी भी उन्होंने बनाई थी, सिंघम 2 भी अजय देवगन के साथ। तो वापस अब यूनाइट हो रहे हैं 7 साल बाद, मतलब 2010 में तीसरी मूवी बनी, उसके बाद 7 साल बाद अब दिवाली में धमाका होने वाला है, वो भी जबरदस्त धमाका होगा और बहुत एक्साइटेड हूं मैं। और कुछ और डिटेल बता देता हूं आपको, परिणीति चोपड़ा इस फिल्म में एज ए लीड एक्ट्रेस साइन की गई है, तो इसका मतलब अब ये लग रहा है कि शायद करीना कपूर खान ना दिखे इस फिल्म में। और साथ में साथ इस फिल्म में तब्बू को भी मतलब उन्हें एंट्री मिली है, तो तब्बू का रोल बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। तब्बू एवरग्रीन एक्ट्रेस आप उन्हें कह सकते हो, एवरग्रीन डीवा कह सकते हो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है उनकी हमेशा, बहुत ही इंटेंस एक्ट्रेस है। तब्बू की भी एंट्री है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मिथुन दा को भी इस फिल्म में अगर रहेंगे तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि कई सारी फिल्मों में उनकी रह चुके हैं गोलमाल सीरीज के, और बहुत अच्छे रोल रहते हैं उनके। और बाकी सब करेक्टर से तो हम वाकिफ ही है, जॉन लीवर एक इंटीग्रल पार्ट होता है, संजय मिश्रा इंटीग्रल पार्ट होते हैं, और वो सांप वाला जो बंदा रहता है उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी एक अच्छे एक्टर है। तो इस तरह की एक चीजें सामने आ रही है अभी तक जो मैंने आपको बता दी। आप कितना एक्साइटेड हो गोलमाल 4 के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बता सकते हो। और आपका कौन सा फनी मोमेंट रहा गोलमाल का, जो भी सीरीज हुई है उसमें कौन सा फनी मोमेंट रहा, आप उसके बारे में बता सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए तब तक के लिए गोलमाल गोलमाल, बाय बाय।